पापा मुझे न्याय नहीं मिला। यह कहकर 12वीं कक्षा की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या के पीछे की कहानी आप भी जानेंगे तो आपकी भी आंखें भर जाएंगी। दरअसल कुछ दिनों पहले ही इस पीड़ित बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद मामले में आरोपी गिरफ्तार तो हुए लेकिन उन्हें जमानत दे दी गई, जिससे पीड़िता अंदर ही अंदर टूट गई और उसकी आंखों के सामने निराशा छा गया। उसे शायद लगा कि अब उसे कोई भी न्याय नहीं दिला पाएगा। प्रशासन से जगी उम्मीद भी उसने खो बैठी थी। आपको पूरी जानकारी देते हुए बता दूं, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के तिगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी 19 साल की बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। 2 जनवरी 2021 को वह स्कूल गई थी। आरोप है कि वहां से घर आते समय अटाली गांव के सरोज व गुड़खेड़ा गांव के नवीन ने उसे अगवा कर लिया। दोनों उसे अपने दो डुंडल के मकान पर ले गए, जहां बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान दोनों ने लड़की को धमकी दी कि उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। लड़की जैसे तैसे अपने घर पहुंची और पिता को उसके साथ घटित हुई घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पिता ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। तब से ही दोनों निमका स्थित जेल में बंद थे। हालांकि बीते रविवार पिता को पता चला कि कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। इस बारे में वह अपने घर में आकर चर्चा कर रहे थे। उस समय बेटी भी घर पर मौजूद थी। तब उसने पिता से कहा, पापा मुझे तो न्याय मिला ही नहीं। इस पर पिता ने बेटी को समझाया कि उन्हें अभी जमानत मिली है, केस कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस पर बेटी परेशान हो गई और अपने कमरे में चली गई। माता पिता ने उसे काफी समझाया मगर वह चुपचाप होकर बैठी रही। इसके बाद परिवार के लोग अपने अपने कामों में लग गए, जिसके बाद बेटी ने शाम 4 बजे कुछ जहरीला सामान खा लिया। तबीयत खराब होने पर परिजन उसे तिगांव में डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत देखकर उसे अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके बाद पिता उसे लेकर सेक्टर 8 सर्वोदय अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तिगांव थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपियों की ओर से धमकी देने की कोई बात तो सामने नहीं आई है। पीड़िता आरोपियों को जमानत मिलने से दुखी हो गई और जहरीला पदार्थ खा लिया। इस बारे में पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।